खड़ी खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पेश करते हैं आज खबरों का सिलसिला। जी हां, अहमदाबाद से ये खबर हमारे पास में आ रही है, जहां कि अहमदाबाद की गोटा इलाके की गणेश जेनेसिस बिल्डिंग के पांचवें माले में से एक घर में आग लग गई है। आग लगने के कारण वहां अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और अचानक यह आग बिल्डिंग के पाँचवें माले में मालवे से आठवें माले तक फैल गई है। फायर ब्रिगेड की 10 टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड से मिली हुई जानकारी के अनुसार 37 लोगों को बिल्डिंग में से बचा लिया गया है और 3 लोगों को 16 सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है, जिसमें से 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और एक महिला की मौत होने की जानकारी अभी मिली है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह आग गैस के सिलेंडर के फटने से लगी ऐसा पता पड़ता है, लेकिन अभी तक आग लगने का सही कारण पता नहीं लग सका है। हालांकि पुलिस टीम को भी तत्काल घटनास्थल पर बुला लिया गया था। इंडिया खबर लाइव के लिए गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर हमारे पास गुजरात के नर्मदा जिले से आ रही है। पुलिस अधीक्षक श्री हिमकर सिंह की सूचना तथा नायक पुलिस अधीक्षक श्री CN चौधरी के मार्गदर्शन में काम कर रही निर्भया स्क्वाड टीम ने आज गरुड़ेश्वर तहसील की श्री विश्वनाथ नवदुर्गा हाई स्कूल खड़गधा पाठशाला में पढ़ रही लड़कियों की छेड़ कहानी करते रोमियों को पकड़ लिया। यह लोग पाठशाला में पढ़ रही लड़कियों की पाठशाला शुरू होने के टाइम पर और छूटने के टाइम पर रास्ता रोक के छेड़खानी कर रहे थे, जिसकी जानकारी पाठशाला के प्रिंसिपल ने निर्भया स्क्वाड की बहनों को टेलीफोन करके दी, जिससे निर्भया टीम की बहन वर्षा और बहन हेतल ने तत्काल पाठशाला जाके रोमियो गिरी करते हुए पीयूष कुमार और कुणाल कुमार को पकड़ के KPSI श्री KK पाठक को फ़ोन करके पाठशाला बुलाया और यह दोनों लड़कों की रोमियो गिरोह की हरकत के बारे में बताया। इन दोनों लड़कों के माता पिता भी इस हरकत से दुखी हुए और बच्चों का भविष्य ना बिगड़े इस कारण उन्होंने माफ़ी पत्र लिखकर भी दिया है और दूसरी बार यह दोनों लड़के ऐसी गलती नहीं करेंगे ऐसा वचन पत्र भी दिया है। निर्भया स्क्वाड के इस एक्शन से पाठशाला के प्रिंसिपल और स्थानीय लोग बहुत खुश हुए और पूरी टीम का अभिनंदन किया। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। આથી જે નિર્ભયા સ્કવોડની સિસ્ટર આવ્યા છે એમને કાર્યવાહી કરે છે। મારું નામ કમલેશ સોલંકી છે અને આ થોડાક 2-4 દિવસથી 2-3 ઇસ્યુ હતા આવા છોકરા છોકરીઓના, પણ જે રીતે આ નિર્ભયા સ્કવોડ KK પાઠક સાહેબના નેજા હેઠળ જે કાર્ય કરી રહ્યા છે ખરેખર સરાહનીય છે અને એમના પ્રયાસો થકી આ જે ન્યુશન્સ જે હતું, જે આ ગામડાઓમાં જે આ રોડ સાઈડ રોમિયો જેવું વાતાવરણ હતું તે હવે ખરેખર નહીવત થવા જઈ રહ્યું છે અને ખરેખર એમની આ જે કાર્યવાહી છે પાઠક સરની અને સ્કવોડની એ પ્રશંસનીય છે। બઢતે હૈ અગલી ખબર કી ઓર ઓર અગલી ખબર આ રહી હૈ ગુના સે। જી હા, મધ્યપ્રદેશ મેં અબ 53વા જિલ્લા ભી બનાયા જાયેગા, યે ખબર હમારે પાસ આજ આ રહી હૈ। गुना जिले की चाचौड़ा तहसील को जिला बनाने का आश्वासन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को दिया है। पिछले साल टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील को भी जिला बनाया गया था। चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह की अगुवाई में शुक्रवार को जिले का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिला। यह लोग चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग करने CM हाउस पहुँचे थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी को आश्वासन दिया है। कमलनाथ जी ने यह भी कहा है कि छिंदवाड़ा की तर्ज पर चाचौड़ा का भी विकास किया जाएगा। गौरतलब है कि चाचौड़ा गुना जिले के ग्वालियर संभाग में आता है, पिछले साल बना था निवाड़ी जिला भी। इससे पहले पिछले साल मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था, जो पिछले साल 1 अक्टूबर 2018 से अस्तित्व में आ गया था। इसमें ओरछा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी 3 तहसीलें शामिल हुई थीं। इससे पहले साजापुर से अलग होकर आगर मालवा को भी 51वां जिला बनाया गया था। गुना जिले में चाचौड़ा मध्य प्रदेश के जिले के अंतर्गत आता है और इसकी जनसंख्या 16 लाख से भी अधिक है। गुना जिले की राहोगढ़, आरोन, बमोरी, गुना और चाचौड़ा तहसीलें हैं। चाचौड़ा विधानसभा सीट सन 1951 में अस्तित्व में आई थी। गुना से इंडिया खबर लाइव के लिए श्याम ओझा की एक रिपोर्ट। हमारी मांग थी कि चाचौड़ा को जिला बनाया जाए, 3 तहसील चाचौड़ा की, 2 तहसील और एक सुगनगढ़ और एक हमारी लटेरी।
शुभराज मकसूदनगढ़ चाचौड़ा कटी की चार तहसील के इस जिला बनाने के लिए मांग करी थी और उसी संबंध में मुख्यमंत्री जी से आज हम सब लोग मिले, हमने ज्ञापन दिया। और कारण ये है कि भाई 160 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पड़ता है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोगों को न्याय नहीं मिलता और भूमि बहुत उपलब्ध है चाचौड़ा में, पानी की कमी नहीं है, अभी बांध बन रहे हैं पार्वती पे, पानी की कमी नहीं रहेगी। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप इसको जिला घोषित करिए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और ये कहा है कि चाचौड़ा में आके माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ कार्यक्रम करेंगे जहाँ हम लोग सब मौजूद रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी भी रहेंगे और वहाँ वो विधिवत घोषणा करेंगे चाचौड़ा जिला बनाएंगे। तो सर आपकी तरफ से बड़ा कार्यक्रम कब रख रहे हैं और कब? ये जैसे ही अभी दिग्विजय सिंह जी से भी बात हो गई है बड़े भाई साहब से, तो उन्होंने अभी कहा है कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करके एक दिन तय कर लेंगे, उस दिन हम लोग बड़ा कार्यक्रम चाचौड़ा में रखेंगे, वहाँ विधिवत घोषणा होगी। मैंने उनसे और कहा कि आप घोषणा कर दीजिए, जो राशि आप दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि आर्थिक संकट है प्रदेश सरकार में सब जानते हैं। मैंने कहा भाई आपको जो राशि देनी दे दीजिए, बाकी का जो काम है वो चाचौड़ा के लोग अपने हाथों से करेंगे, हिम्मत से करेंगे और नया बढ़िया चाचौड़ा, अच्छा विकसित चाचौड़ा बना के। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात, बने रहें इंडिया खबर लाइव के साथ, धन्यवाद।